Myself, Suresh Kumar, lecturer civil engineering, Government Polytechnic College, Alwar. आज मैं Applied Mechanics विषय की C.G के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा. Center of gravity, जहां किसी भी पिंड का जो total weight जहां पर act करेगा, वो उसकी C.G होगी. लेकिन हमें कई बार जो plain figure है, उनकी C.G निकालनी पड़ती है, तो उसके अंदर हम लोग centroid को भी यूज कर लेते हैं. सीजी वर्सेस सेंट्रोइड, सेंट्रोइड वर्सेस सीजी, जहां पर पूरा एरिया बॉडी का केंद्रित हो वो है सेंट्रोइड. तो इस तरह से सीजी कैलकुलेशन करने के लिए हमें तीन चार बातों की जरूरत पड़ती है. पहला है रेफरेंस एक्सिस. अगर हम एक्स बार ले रहे हैं, क्षैतिज दूरी ले रहे हैं या ऊर्ध्वाधर ले रहे हैं, तो उसके लिए रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस वह है. अगर सपोज करें एक्स बार के ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सट्रीम लेफ्ट जो आपका है रेफरेंस पॉइंट, उससे हम दूरी आगे लेंगे एक्स बार की, वो है आपका रेफरेंस एक्सिस फॉर एक्स बार. इसी तरह से वाई बार के लिए जनरली बॉटम मोस्ट पार्ट सेक्शन का जो है उससे जो ऊपर जाएंगे, तो वो आपका वाई बार होगा रेफरेंस एक्सिस के लिए उस सेक्शन का. तो इसलिए रेफरेंस एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रेफरेंस से हम एक्स बार ले रहे हैं और किस रेफरेंस से हम वही बार ले रहे हो. बात है, सपोज करें कि इस तरह की फिगर है कोई, जिसके अंदर सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो एक्स बार लेंगे तो हम इस एक्सट्रीम लेफ्ट से और ये जो दूरी है ये कैलकुलेट करेंगे, वो है एक्स बार. और वाई बार लेंगे तो यहां से लेंगे, यहां से जो वाई बार आएगा बॉटम मोस्ट से, वो वाई बार. दूसरा, सिमेट्री. हमारा सेक्शन किस अक्ष के सिमेट्रिकल है, आइदर एक्स एक्सिस के, आइदर वाई वाई के. तो अगर हमारा सिमेट्री वाई के है, तो उसके लिए वाई बार निकालना पड़ेगा, उसकी सीधी वाई एक्स पर स्थित होगी. और अगर एक्स बार है और किसी के सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसके लिए हमें दोनों एक्स बार और वाई बार निकालने पड़ेंगे. कैलकुलेशन ऑफ सीधी फॉर वेरियस प्लेन फिगर सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल और ट्रेपेजियम. इस तरह से हमारी बहुत सारी फिगर है प्लेन, जिसका हमें एरिया और उसकी सीजी निकालनी पड़ती है. जिस सेक्शन टी सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, एंगल सेक्शन हो या आई सेक्शन हो, कोई सा भी सेक्शन हो, तो उन सब की हमें ये सीजी निकालनी पड़ती है. उसके लिए हम क्या करते हैं, जब एक्स बार लेंगे तो ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन. हाँ, हमारा कोई भी सेक्शन है प्लेन फिगर, उसको हम डिफरेंट रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो भी उसके सेक्शन है उन्हें सब डिवाइडेड कर लेंगे और उसको नंबरिंग दे देंगे, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, और उसका एरिया और उसका एक्स वन एक्स बार पे सी जी, एरिया दो नंबर की सी जी एक्स बार पे. इसी तरह से हम उसकी सारी कैलकुलेशन कर लेंगे और एरिया से डिवाइडेड कर देंगे, तो पूरे सेक्शन का, कमेंट सेक्शन का एक्स बार कैलकुलेट हो जाएगा. इसी तरह से वाई बार देखें तो एरिया और वाई एक्सप्रेस की एक नंबर सेक्शन की सीजी, दो नंबर की, तीन नंबर की, और उसको नीचे डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन. इस तरह से हम कैलकुलेशन कर उनका एक्स बार वाई बार निकाल सकते हैं, जिस बिंदु पर रेफरेंस एक्सिस से पूरे सेक्शन की सीजी केंद्रित होगी, लाई करेगी. अगर हम स्क्वायर सेक्शन देखें तो उसके सेक्शन के एरिया हम सब पता है बी टू बी होगा, और अगर हम एक्स और बार देखें तो एक्स बार के लिए यहाँ से ये अगर बी है तो बी बाई टू होगी, और अगर ये डी है तो यहाँ से नीचे से डी बाई टू होगी. सिमिलर अगर ये है रेक्टेंगल तो इसका एरिया बी इंटू डी होगा, एक्स इसका यहाँ से बी बाई टू होगा और वाई यहाँ से इसका डिवाइड होगा. तो तरह से हम ये प्लेन फिगर का फार्मूला याद कर सीधी निकाल सकते हैं. एंगल की देखे एरिया हाफ बेस इन हाइट, और इसकी बेस से एच बाई थ्री पर होगी, ऊपर से सिल है, टॉप से टू थ्री एच होगी. सर्कल है इसका अगर डायमीटर है तो एरिया हो जाएगा पाई अपॉन टू डी स्क्वेयर या रेडियस पाई आर स्क्वेयर. इसकी सीजी के लिए अगर आप देखें तो एक्स बार रेडियस के बराबर हो जाएगा और वाई बार भी रेडियस के बराबर हो जाएगा. अगर अर्धवृत्त है, सर्कल है, तो उसका एक्स बार रेडियस हो जाएगा
और वाई बार यहां से नीचे प्लेन कटे हुए उत्तम से 4r upon 3 pi वाई बार हो जाएगा। इसी तरह से ट्रेपेजियम में एरिया आप लोग जानते हो, वाई बार नीचे से क्या हो जाएगा 2a, ये सपोज करो ये है b है ये h है, तो 2a प्लस बी अपोन ए प्लस बी इंटू एच बाई थ्री बॉटम से, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इनके x और y बार निकाल कर हम पूरे सेक्शन की सीजी की गणना कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें सिविल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टी सेक्शन है, आई सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, इनकी सीजी निकालनी। अब अगर टी सेक्शन की सीजी अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले देखेंगे किस अक्ष के सिमेट्रिकल है, आइदर अक्ष के या वाई के, तो ये सेक्शन किसके सिमेट्रिकल है, वाई अक्ष के सिमेट्रिकल है, तो इसकी सीजी कहां पर लाई करेगी, वाई अक्ष पर। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट लेंगे, बात एक ये रेक्टेंगल होगी एक ये होगी, तो इन रेक्टेंगल का वाई बार अगर हम निकाल रहे हैं तो एरिया इंटू इस सेक्शन के वाई वन और इस सेक्शन की वाई टू रेफरेंस एक्सिस से। मैंने पहले भी आपको बताया रेफरेंस एक्सिस वाई डिस्टेंस के लिए बॉटम मोस्ट और एक्स डिस्टेंस के लिए लेफ्ट साइड का जो है, तो ये दो रेफरेंस एक्सिस हो गया हमें एक्स और वाई के लिए। इसी तरह से ये अगर आई सेक्शन देखे, हो सकता है सिमेट्रिकल भी हो सकता है, आई सेक्शन अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। सपोज करो अगर ये इस तरह से है आई सेक्शन, तो ये आपका किसके सिमेट्रिकल है, एक्स के नहीं है वाई के सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मीन्स मिरर इमेज हो जाए तो वो सिमेट्रिकल है। ये किसके सिमेट्रिकल है, वाई के नहीं एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ये किसी के भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसके सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, आइदर इस सेक्शन को ऐसे मान लेंगे और इसको एक नंबर डाल देंगे, इसको दो नंबर डाल देंगे और इसके एक्स बार और वाई बार निकाल लेंगे। वाई बार के लिए बेस रेफरेंस एक्सिस ये होगा और एक्स बार के लिए हमें एक्सट्रीम ये साइड होगी, तो इससे हम A1 X1 या A1 Y1 कैलकुलेट कर और पूरे सेक्शन की सीजी निकाल सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इनके लिए ये सिंपल फार्मूला एरिया और सीजी का याद कर लें तो इनसे हम बाकी सेक्शन की जो बिल्टअप सेक्शन भी मान लो इसके ऊपर अगर प्लेट लगी हुई है तो भी आराम से निकाल सकते हैं, इसके ऊपर प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर प्लेट लगी हुई है, तो भी आसानी से इजिली निकाल सकते हैं, जिसको बिल्टअप सेक्शन बोल सकते हैं बात या कंपाउंड सेक्शन कह सकते हैं। तो बहुत आसानी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेन फिगर की हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें दो तीन बातों का पता हो, रेफरेंस एक्सिस सिमेट्रिकल और उनके जो एरियाज का फार्मूला और उनका सीजी का फार्मूला और सेक्शन को हम ब्रेकअप करें। अब चाहे वो सेक्शन दो या तीन चार भी हो सकते हैं, सेमी सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकती है, ट्रेपेजियम भी हो सकती है एक फिगर में, तो हम उसको डिफरेंट पार्ट को अलग अलग नंबरिंग कर लेंगे। और अगर एक पूरे सेक्शन में से कोई काटी गई चीज है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कटआउट सेक्शन है, मान लीजिए कोई प्लेट है उसमें से एक सर्कल काट लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पूरे को वन मानेंगे और इसको टू मानेंगे और वन में से जो दो नंबर की आपका सर्कल है वो माइनस कर देंगे, तो इससे आपकी कटने के बाद इस बाकी बचे सेक्शन की सीजी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज ये देखा प्लेन फिगर का जिसका वेरियस सेक्शन है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी सीजी हम की गणना किस तरह से करें।